हेलो फ्रेंड्स, आज इस ट्यूटोरियल में हम मार्ग में एआरपी ब्रिजर के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम जानते हैं एआरपी ब्रिजर क्या होता है। एआरपी ब्रिजर एक टूल है जो कि मार्ग ने डेवलप किया है, जिसके थ्रू आप अदर सॉफ्टवेयर का डेटा एक्सपोर्ट करके मार्ग में इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप मार्ग सॉफ्टवेयर से अपना डेटा एक्सपोर्ट करके किसी भी अदर सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं। आपका डेटा अगर आप मार्क से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, वो आपके चार फॉर्मेट्स में होता है, जो कि XLS, CSV, DBF और XML फॉर्मेट में हो सकता है। अब हम समझते हैं कि ARP ब्रेजर की कहाँ पे और क्यों ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए हम एक FMCG डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं जो कि मार्क यूज़ करती हैं। जैसे कि आप जानते हैं, एक FMCG डिस्ट्रीब्यूटर के पास अलग अलग कंपनीज की एजेंसीज होती हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक FMCG डिस्ट्रीब्यूटर है जिसके पास अलग अलग कंपनी की एजेंसीज हैं, और हर एजेंसी का अपना एक सॉफ्टवेयर होता है। उनकी अपनी एक लिमिटेशन होती है, कुछ पॉलिसीज होती हैं जिनके अंडर हमारा जो मेन FMCG डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसे उसकी कंपनी के प्रोडक्ट्स के बिल्स उसी के सॉफ्टवेयर से जनरेट करने होते हैं। एंड ऑफ द डे, अगर FMCG डिस्ट्रीब्यूटर अपना सारा डेटा मार्ग में पंच करना चाहता है या इम्पोर्ट करना चाहता है, या फिर अगर वो अपनी कंसोलिडेटेड सेल व्यू करना चाहे या बैलेंस शीट क्रिएट करना चाहे, तो उसे हर सॉफ्टवेयर के वाउचर्स को मैन्युअली अपने सॉफ्टवेयर में जनरेट करने पड़ते हैं। यानी कि वो सारी एंट्रीज उसको वापस अपने मेन सॉफ्टवेयर में, मार्क सॉफ्टवेयर में जनरेट करनी पड़ती हैं, जो कि बहुत ही लेंथी काम होता है, और दोबारा वर्किंग में कोई भी मिस्टेक्स होने के चांसेस भी होते हैं और मैनिपुलेशंस के चांसेस भी होते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मार्क ने एक न्यू टूल डेवलप किया है जिसका नाम है एआरपी ब्रिजर। ये ऑप्शन उनके लिए भी ज़रूरी है जो अपने डेली बिलिंग किसी और सॉफ्टवेयर में करते हैं, लेकिन अपनी इन्वेंट्रीज मेंटेन करने के लिए, जैसे ही कुछ कंपनीज होती हैं जो बिलिंग तो अपने अदर सॉफ्टवेयर्स में करना चाहते हैं लेकिन अपनी इन्वेंट्रीज मार्क में मेंटेन करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये ऑप्शन बहुत यूजफुल है। वो एट द एंड अपने सॉफ्टवेयर से, किसी और सॉफ्टवेयर से अपना डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं और मार्क में इंपोर्ट करके अपनी इन्वेंट्रीज मेंटेन कर सकते हैं। अगर अदर सॉफ्टवेयर अपना डेटा सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड करा देता है, तो आप मार्क में एक मेथड क्रिएट करके उस सॉफ्ट कॉपी को बड़े ही इजीली मार्क में इंपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो इन्वेंट्री का डेटा हो या फिर अकाउंट्स का डेटा हो। इसके अलावा आप मार्क सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट करके भी अपने सॉफ्टवेयर में बिल इंपोर्ट कर सकते हैं, वाउचर्स इंपोर्ट करा सकते हैं। जैसे कि कुछ कंपनीज होती हैं जो फ्रंट एंड पे मार्क यूज़ करते हैं, लेकिन अपने बैक एंड पे अकाउंटिंग मैनेज करने के लिए हो सकता है कोई अदर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, तो उस केस में भी कंपनीज को वापस सारे के सारे वाउचर्स जो हैं अपने अदर सॉफ्टवेयर में एंटर करने पड़ते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं ये मार्क में किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले जाते हैं मार्क सेटअप में, कंट्रोल रूम। यहाँ से हमें सबसे पहले ईआरपी ऑप्शन ऑन करना होता है। आप इसे यस करेंगे और सेव चेंजेस यस करेंगे। इसके बाद आप जैसे ही दोबारा मार्क सेटअप पे जाते हैं, यहाँ आप देखेंगे पेड फीचर्स। यहाँ आपके पास सारे के सारे एडवांस फीचर्स अवेलेबल हैं जो कि पेड हैं, यानी कि चार्जेबल हैं। आइए हम देखते हैं ईआरपी ब्रिजर एक्सपोर्ट। सबसे पहले हम समझते हैं हम ईआरपी ब्रिजर के थ्रू अपना डेटा किस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एआरपी ब्रिजर, आप एआरपी ब्रिजर एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं आपके पास चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मेथड, इंपोर्ट मेथड, एक्सपोर्ट मेथड एंड डिलीट मेथड। यानी कि अभी हम मार्क से एआरपी में इंपोर्ट कराना चाहते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले एक मेथड क्रिएट करना पड़ता है जो कि आपके एआरपी, यानी कि आप जिस सॉफ्टवेयर में अपना डेटा इंपोर्ट कराना चाहते हैं, आप उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपना डेटा एक्सपोर्ट करा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे मेथड क्रिएट करना पड़ता है। इसके बाद अगर आपके पास ऑलरेडी कोई मेथड है तो आप उसे इंपोर्ट करा सकते हैं, इसके बाद एक्सपोर्ट भी करा सकते हैं, और आप चाहें तो कोई भी एग्जिस्टिंग मेथड डिलीट कर सकते हैं। आप मेथड क्रिएट करने के लिए मेथड पर जाएंगे। यहाँ सबसे पहले आप अपने मेथड का नाम देंगे। जैसे आप अपने मेथड का नाम देंगे, आपके पास एक विंडो ओपन हो जाती है, वॉन्ट टू क्रिएट यस फॉर, आप किसके लिए अपना मेथड क्रिएट कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे एक नाम डिफाइन कर सकते हैं। डेटा फ्रॉम लाइन, आपका डेटा किस लाइन से स्टार्ट होना चाहिए, आप इसे 1 रखेंगे। फिर आप यहाँ पे सेपरेटर डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे डेट फॉर्मेट, आप किस फॉर्मेट में डेट एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं, आप यहाँ से डेट फॉर्मेट डिफाइन कर सकते हैं।
इसके बाद आता है एक्सपोर्ट इन फॉर्मेट। आप किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं? आप अगर अपने कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करें तो आप देख पाएंगे आपके पास यहाँ पे चार फॉर्मेट अवेलेबल हैं, XLS, DABF, CSV और XML। इसके बाद आता है आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन हेडिंग। हेडिंग का मतलब है यानी कि आप जो अपना डेटा एक्सपोर्ट करा रहे हैं आप उसमें अपनी हेडिंग देना चाहते हैं या नहीं, जैसे कि बिल नंबर, पार्टी नेम, डेट, इस तरीके की हेडिंग्स अगर आप चाहते हैं तो आप इसे येस रखेंगे, अदरवाइज आप इसे नो रखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे डेटा ट्रांसफर इन। यहाँ आप स्पेस बार से आप देख पाएंगे दो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, माई फाइल एंड क्रिएट माई फाइल्स। माई फाइल्स क्या होती है? मान लीजिए अगर अदर सॉफ्टवेयर ने अपना कोई डेटाबेस बना रखा है या कोई टैम्पलेट बना रखा है, फॉर एग्जाम्पल अगर अदर सॉफ्टवेयर ने एक DBF फाइल में डेटा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और उस सॉफ्टवेयर की लिमिटेशन है कि वो सिर्फ उसी फॉर्मेट में यानी कि DBF स्ट्रक्चर में अपना डेटा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकता है, तो उस कंडीशन में अगर आपका अदर सॉफ्टवेयर आपको अपना डेटाबेस या टैम्पलेट की सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करा देता है तो आप उस सॉफ्ट कॉपी को अपने मार्क फोल्डर के अंदर, सिस्टम नाम के फोल्डर के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। और जब भी आप अपना डेटा एक्सपोर्ट करेंगे आप सिंपली यहाँ पे माई फाइल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सिस्टम के आगे अपनी फाइल का नेम डिफाइन करेंगे ताकि आपका जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली आपके अदर सॉफ्टवेयर के डेटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली एक्सपोर्ट हो या फिर इम्पोर्ट हो। अदरवाइज अगर आपके पास ऐसी कोई फाइल नहीं है तो आप यहाँ से अपना न्यू मेथड क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आप क्रिएट सेलेक्ट करेंगे, आइटम डिटेल्स आप चाहते हैं तो येस। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे आपके पास सारे वाउचर्स टाइप ओपन हो जाते हैं। अब यहाँ से आप जो जो वाउचर आप एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं आप सिंपली उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे आपके पास यहाँ ऑप्शन आते हैं चेक ऑल। अगर आप सभी वाउचर एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं तो आप चेक ऑल पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ सेल्स वाउचर कराना चाहते हैं तो आप चेक सेल्स पे क्लिक करेंगे। अगर आप सिर्फ परचेज रिलेटेड कराना चाहते हैं तो आप परचेज पे कर सकते हैं। अगर आप अनचेक ऑल करना चाहते हैं तो आप अनचेक ऑल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। अभी हम चेक ऑल करते हैं यानी कि हम सारे के सारे वाउचर्स एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं, फिर आप ओके पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे आपके पास एक एक्सपोर्ट मेथड विंडो ओपन हो गई है। यहाँ हम फील्ड डिफाइन करेंगे, जैसे कि सबसे पहले आप देखेंगे मार्क फील्ड। जैसे आप अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करते हैं आप यहाँ अपनी फील्ड डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि आप अपने वेरिएबल सेलेक्ट कर सकते हैं जो जो आप एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बिल नंबर एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं, यहाँ बिल नंबर सर्च करेंगे। यहाँ आप देखते हैं सीरियल नंबर, आप किस सीरियल में इसे प्रिंट कराना चाहते हैं। फील्ड नेम, आप चाहें तो मैन्युअली अपना फील्ड नेम चेंज कर सकते हैं। टाइप कैरेक्टर्स हैं या न्यूमेरिक है, आप लेंथ डिसाइड कर सकते हैं। अगर डेसिमल्स, अगेन आप एंटर प्रेस करेंगे। फिर आप बिल डेट प्रिंट करा एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं, इसी तरीके से आप सीरियल नंबर डिफाइन कर सकते हैं। फील्ड आप नेम चेंज कर सकते हैं, डेट, इस तरीके से। आप देखेंगे हमने एक मेथड क्रिएट कर लिया है। अब आप इसे सिंपली एस्केप करके इसे सेव कर सकते हैं। अब आप अगेन मास्टर्स में जाते हैं, चेंज ऑपरेटर पावर्स में जाते हैं। यहाँ आप अपने यूजर सेलेक्ट करते हैं जिसको आप ERP यूजर की अथॉरिटी देना चाहते हैं। यहाँ आप ERP सर्च करेंगे और इस ऑप्शन को भी येस करेंगे एंड अगेन लॉग इन करते हैं। अब आप देखेंगे आपके पास ट्रांजेक्शन मेन्यू में एक ऑप्शन ऐड हो जाता है ERP ब्रिजर। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे एक्सपोर्ट, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं आप अपने वाउचर्स किस डेट से किस डेट तक एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं। यहाँ से हम अपना फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं, हम किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं। यहाँ हम अपना पार्ट डिसाइड करेंगे जहाँ आप अपने फाइल को एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं डी ड्राइव में ERP मीडिएटो के नाम से आपकी फाइल एक्सपोर्ट हो रही है। आप इसे ओके करेंगे, आप देखेंगे आपकी जो फाइल है वो इजीली एक्सपोर्ट हो गई है। अब अगर आप डी ड्राइव में देखें तो आपकी ERP मीडिएटो के नाम से आपकी फाइल जनरेट हो चुकी है। यहाँ आप देख सकते हैं आपने जो जो फील्ड्स डिफाइन की थी मेथड में वो सब आपके पास अवेलेबल है, जैसे कि बिल नेम, बिल डेट, पार्टी नेम, क्वांटिटी एंड रेट। यहाँ आप देख सकते हैं आपकी फाइल जनरेट हो चुकी है।
इसी तरीके से आप जो भी चाहें इन्वेंट्रीज या फिर अकाउंट्स रिलेटेड कोई भी डेटा बड़े ही इजीली मार्क सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एआरपी ब्रिजर के थ्रू हम इम्पोर्ट किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं मास्टर्स में, फिर हम जाते हैं मार्क सेटअप में, फिर हम जाएंगे पेड फीचर्स में। यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास एआरपी मीडिएटर इम्पोर्ट इन्वेंट्री एंड एआरपी मीडिएटर इम्पोर्ट अकाउंट्स के दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ से अगर आप इन्वेंट्रीज रिलेटेड कुछ वाउचर्स, अगर आप यहाँ से इन्वेंट्री रिलेटेड वाउचर्स इम्पोर्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इम्पोर्ट इन्वेंट्री में मेथड क्रिएट करेंगे, अदरवाइज हम इम्पोर्ट अकाउंट्स में मेथड क्रिएट करते हैं। अभी जैसे हम इन्वेंट्री करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे एआरपी टू मार्ग इन्वेंट्री का एक विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि फर्स्ट है मेथड। मेथड यानी कि अगर आप कोई नया मेथड या कोई न्यू फॉर्मेट क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ आप सबसे पहले अपना मेथड क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका इम्पोर्ट मेथड, यहाँ से आप कोई मेथड इम्पोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट मेथड, अगर आप कोई एग्जिस्टिंग मेथड अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप डिलीट मेथड, अगर आप कोई एग्जिस्टिंग मेथड डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं। कन्वर्ट इम्पोर्ट एक्सेलस, इसका मतलब है अगर आप अपनी TXT फाइल को एक्सेलस फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपके पास लास्ट ऑप्शन आता है रो टू कॉलम एक्सेलस, अगर आपका कोई डेटा रो वाइज है तो आप उसे कॉलम वाइज कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए सबसे पहले आज हम मेथड बनाना सीखेंगे। जैसे आप मेथड पे क्लिक करते हैं आपके पास एक विंडो ओपन हो जाती है, यहाँ हम अपना मेथड डिफाइन करते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास नेम, यहाँ आप अपने मेथड का नेम डिफाइन करेंगे। जैसे आप मेथड डिफाइन करते हैं वॉन्ट टू क्रिएट, आप येस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फोर, आप किसके लिए मेथड क्रिएट कर रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ पे अपने मेथड का कोई नाम दे सकते हैं। आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं आप किसके लिए मेथड क्रिएट कर रहे हैं। फिर आता है आपका डेटा फ्रॉम लाइन, आपका डेटा जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी एक्सेल शीट है जो हम अभी इंपोर्ट करेंगे, जिसमें आपके बिल नंबर, पार्टी नेम, आइटम कोड, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट एंड वाउचर टाइप यहाँ पे डिफाइन है। जैसे कि हमारा डेटा फर्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट रो से स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे इसे 1 रखेंगे। फिर आता है आपका सेपरेटर, अगर आपकी CSV फाइल है तो आप सेपरेटर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। फिर आता है आपका डेट फॉर्मेट, आप देख सकते हैं आपके पास 3 तरीके के डेट फॉर्मेट अवेलेबल हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन डेटा स्टार्ट आफ्टर, ये ऑप्शन तब यूजफुल है अगर जैसे मान लीजिए आपका डेटा स्टार्टिंग से स्टार्ट ना हो के कहीं मिड से स्टार्ट होता है। जैसे आपको यहाँ से डेटा पिक करना है, अगर आपका डेटा कहीं मिड में स्टार्ट होता है तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि आपका डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। फिर आता है आपका डेटा फॉर्मेट, यानी कि आपका जो डेटा है वो कॉलम वाइज है या रो वाइज है, आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। फिर आता है आपका इम्पोर्टेंट टाइप, जैसे आप स्पेस बार प्रेस करते हैं आप देखेंगे आपके पास 3 तरीके के यहाँ पे 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आस्क, मेन फ्लैग एंड मेन टाइप। अगर आप इसे आस्क रखते हैं तो आप एक टाइम पे एक ही टाइप के वाउचर्स इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे मेन फ्लैग रखते हैं तो आप मल्टीपल टाइप्स के वाउचर एक साथ इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपकी शीट में आपको अपने फ्लैग डिफाइन करने होंगे। इससे पहले हम समझते हैं फ्लैग क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसे फ्लैग रखते हैं, आप पास इसे एंटर करते हैं तो आप देखेंगे आपके पास एक विंडो ओपन हो जाती है जहां आपके पास सारे वाउचर्स टाइप अवेलेबल हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आप मेन फ्लैग वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम सेल इम्पोर्ट कराते हैं तो अगर आपकी शीट में सेल ना होकर ये सिर्फ एस लिखा गया है, अगर आपकी शीट में सेल के लिए एस डिफाइन है तो आप इसे मैनुअली यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ताकि आपका सॉफ्टवेयर इजीली आइडेंटिफाई कर सके आपके फ्लैग के अकॉर्डिंग कि ये वाउचर सेल का है, परचेज का है, या परचेज प्राइस डिफरेंस का है, या ऑर्डर का है। तो ये चीज इसी फ्लैग के थ्रू जो है आपका सॉफ्टवेयर वो आपकी शीट को या आपके वाउचर्स को आइडेंटिफाई करता है। इसी तरीके से आपका थर्ड टाइप जो है यहाँ पे मेन टाइप, मेन टाइप भी आपके मल्टीपल वाउचर्स एक साथ इम्पोर्ट कराता है,
एंड सेम मेन, अगर आप इसे मेन टाइप रखते हैं तो आपकी शीट में वाउचर्स टाइप डिफाइन होनी चाहिए। जैसे कि जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ये विंडो आपके पास ओपन हो जाती है। जैसे कि आपके सेल के लिए आपकी आपकी शीट में सेल डिफाइन होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको अपनी शीट में एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे कि आप शीट में देख सकते हैं यहाँ आपके पास टाइप डिफाइन है, तो यहाँ पे भी आपके सेल के लिए सेल डिफाइन होना चाहिए। इन केस मान लीजिए आपकी शीट में सेल ना होकर ये आपका सेल्स लिखा गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी शीट में सेल ना होकर सेल्स हमने मेंशन किया है, तो आप यहाँ पे भी इसे मैन्युअली चेंज करेंगे और इसे सेल करेंगे ताकि आपका सॉफ्टवेयर आपके वाउचर टाइप को आइडेंटिफाई कर सके। फिर आप इसे ओके प्रेस करेंगे। अब हम यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करेंगे। जैसे कि आपके इंपोर्ट मेथड की एक विंडो ओपन हो जाती है, फर्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास इंपोर्ट मेथड। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे, आप देखेंगे आपके पास फॉर्मेट वेरिएबल्स की विंडो ओपन हो जाती है। अब आप देखेंगे अपनी शीट में आपके पास सबसे पहले बिल नंबर है, तो यहाँ हम बिल नंबर सर्च करते हैं, क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। फिर आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे आपकी एक्सेल शीट में किस कॉलम में बिल नंबर डिफाइन है। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट है पार्टी नेम, फिर है आपका आइटम कोड, जैसे कि आप देखेंगे हमने रेट तक जो है कमांड्स वेरिएबल सेलेक्ट कर लिए हैं। अब आपके पास लास्ट ऑप्शन आता है टाइप का। यहाँ अगर आप एंटर प्रेस करते हैं और सर्च करते हैं बिल टाइप, तो आप देखेंगे आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बिल टाइप फ्लैग एंड बिल टाइप नेम। अगर आपने अपनी एक्सेल शीट में फ्लैग डिफाइन किए हैं तो आप यहाँ से फ्लैग वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आपने यहाँ पे वाउचर टाइप फुल नेम यहाँ पे अगर आपने डिफाइन किए हैं तो हम यहाँ पे बिल टाइप नेम सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे फुल टाइप सेलेक्ट डिफाइन किए हैं तो हम यहाँ से बिल टाइप नेम सेलेक्ट करेंगे। अब आप सिंपली अपना मेथड सेव कर लेते हैं। अब इम्पोर्ट करने के लिए हम जाते हैं ट्रांजेक्शन में। यहाँ आप देखेंगे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है ERP मीडिएटर। यहाँ से हम इम्पोर्ट इन्वेंट्री पे क्लिक करते हैं। अब हम यहाँ से सबसे पहले अपनी शीट सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप शीट सेलेक्ट करते हैं आप देख पाएंगे आपके पास मेथड के ऑप्शन ओपन होता है, आप यहाँ से अपना मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप सेव इन बिल्स में सेव करना चाहते हैं, वाउचर्स या चालान में, हम बिल में सेव करेंगे। ये आपका पाथ आता है जहाँ से अभी आपने अपनी शीट पिक की है। फिर आता है इम्पोर्ट फ्रॉम, होलसेल बिल है या रिटेल बिल है आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। आप देखेंगे आपका इम्पोर्ट इन टाइप पे आपका कर्सर स्विच नहीं किया, क्योंकि इम्पोर्ट मेथड में हमने इसे मेन टाइप सेलेक्ट किया था, इसलिए सॉफ्टवेयर जो है वो ऑटोमेटिकली मेन टाइप से आपके वाउचर्स पिक कर लेता है। अगर आप उस ऑप्शन को आस्क रखते हैं तब ये ऑप्शन, तब आपका कर्सर इस ऑप्शन पे इम्पोर्ट इन टाइप पे स्विच करता है ताकि आप अपना वाउचर टाइप यहाँ से सेलेक्ट कर सकें। फिर आता है आपका होल्ड परचेज, अगर आप परचेज अपना होल्ड करना चाहते हैं तो आप इसे येस रखेंगे, अदरवाइज इसे नो रखेंगे। फिर आती है आपकी एंट्री डेट, आप यहाँ पे एंट्री डेट डिफाइन कर सकते हैं। फिर आता है आइटम सर्च बेस, आप अपने आइटम किस बेस पे सर्च कराना चाहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं नेम, कोड एंड बार कोड, जैसे कि हम कोड बेस पे सर्च कराते हैं। शो अनमैच्ड, आप सिर्फ अनमैच शो कराना चाहते हैं या ऑल, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसे कंफर्म करने के लिए आप टाइप करेंगे रिसीव एंड देन एंटर प्रेस करते हैं। आप देख सकते हैं आप यहाँ से मैप करा के इजीली से सेव करके अब आप आइटम मैच कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं आपके सेल बिल और साथ ही आपके परचेज बिल इंपोर्ट हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं आपके बिल्स भी इंपोर्ट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस ट्यूटोरियल में सीखा ERP ब्रिजर के थ्रू हम मल्टीपल वाउचर्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किस तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू।